कृष्णा कंस्ट्रक्शन मकान निर्माण एवं सिंगल डुप्लेक्स मकान साथ ही विथ मटेरियल के नवनिर्मित मकान वो भी फाइनेंस सुविधा के साथ, तो आज ही संपर्क करें। पता अमन मैरिज गार्डन, दिल्ली रोड, सागर। प्रदेश की मिनी मुंबई इंदौर में जिसमें फरोशी का धंधा लगातार अपने पैर पसारती जा रहा है, आलम यह है कि अब बड़े पैमाने पर पुलिस की नाक के नीचे इस धंधे को चलाया जा रहा है। ऐसे ही एक जिस्म फरोशी के धंधे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 10 युवतियों और 8 युवकों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ विदेशी लड़कियाँ भी शामिल हैं। मौके से पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक वस्तुएँ भी बरामद की हैं। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के सगुन आर्किड बिल्डिंग में संचालित स्पा सेंटर में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। महिला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने जब यहां स्पा सेंटर में दबिश दी तो यहां पुलिस की हत्थे विदेशी युवतियां जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गईं। पुलिस ने मौके से 8 युवक सहित 10 युवतियों को हिरासत में लिया है, साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर की मुख्य सरगना फरार है, जो पुलिस की कार्रवाई होते ही विदेश भाग जाती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह महिला सरगना राजधानी भोपाल में भी जिस्म फरोशी का व्यापार करवाती है। पुलिस ने जब स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई की तो पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहां पार्लर के मुख्य काउंटर पर ही रकम तय होती थी और इसी काउंटर पर युवतियां पसंद करने का विकल्प होता था। फिलहाल इस पूरे सेक्स रैकेट में अब पुलिस पकड़े गए सभी लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसे ही जिस्म फरोशी के धंधे पर पुलिस छापामार कार्रवाई कर सकती है। देखिए, क्राइम ब्रांच और महिला थाने का जॉइंट वेंचर है, एक साथ मिलकर एक दबिश दी है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अपना शगुन आर्किड जो बिल्डिंग है, जहाँ पूर्व में पकड़ाया जा चुका है, वहाँ पर कुछ अनैतिक देह व्यापार का कार्य संचालित किया जा रहा है। तो इस पर से दबिश महिला थाना, क्राइम ब्रांच दोनों की टीम ने मिलकर दिया और वहाँ से हमने काफ़ी सारे पुरुष महिलाओं को पकड़ा है, जिसमें कुछ विदेशी महिलाएँ भी हैं। अभी उनके नाम और उनका इवन निवास स्थान भी क्लियर करना बाकी है, कार्यवाही की जा रही है। लड़के 8 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। इंदौर से कीर्ति वर्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।